उनका नहीं करेंगे बर्थडे, मगर मेरा बेटा जिद करने लगा तो उस वजह से कर रहे हैं। तो इसलिए अपने हस्बैंड को उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक गुरु, जैसे गुरु होता है ना, एक होता है माता पिता गुरु, एक टीचर शिक्षक होते हैं, और एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो आध्यात्म की रास्ता पे ले जाए। मेरे पति परमेश्वर ही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो मेरे एंजल हैं जो मुझे सत्य की राह पे ले जा रहे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहें, और हमेशा मतलब ऐसे कभी हमसे ना उनसे गलत कोई हो चीज़, किसी से किसी के लिए किसी इंसान के प्रति गलत चीज़ ना हो किस, और ये चीज़ हमें भगवान हमेशा अच्छी राह पे दिखाएं और मार्गदर्शन करें। जैसे नाम जप की महिमा हमारे हस्बैंड ने मुझे बताया और बोला, सोशल साइड में लोग रहते हैं, व्यस्त रहते, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया कि नेपाल की थी मिस यूनिवर्स, जो उनके मिलियन फॉलोअर थे और लाइक्स भी उनके मिलियन मिलियंस मिलते थे, जब उनके बीमार भी जब मरी हैं एक फॉलोअर तक नहीं आया, एक फॉलोअर में कमेंट तक नहीं किया, उससे क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, उनका शरीर यहीं पड़ा रहेगा, वो चलेंगे ऊपर। तो यहाँ तो यूनिवर्स में से वो थी, मगर मरने के बाद उनको कौन सी दुर्गति प्राप्त होगी ये तो कुछ पता नहीं है, कैसे उनके कर्म होंगे, इसलिए ये सत्य नहीं है। यहाँ पर राजा भी वहाँ पर दुर्गति में जाता है, तो ये इसीलिए ये जो सही राह पे ले जाए वो आपका सच्चा साथी। मेरे पति परमेश्वर मेरे सच्चे साथी हैं, जो मुझे सही रास्ता और सही डायरेक्शन दिखाते हैं हमेशा। और इसीलिए मैंने अपना इंस्टा कुछ लेके लिए बंद कर दिया और बोला कि फालतू चीज़ में, देखिए भगवान से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, जो कलयुग में कुछ भी हो रहा है, भगवान चाहे तो एक झटके से सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, वो शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है। तो इस चीज़ में ना पढ़ो, सबसे अच्छा है नाम जप करो, नाम जप की महिमा करो, अपने आप को ही वो करो। अगर किसी इंसान को सही डायरेक्शन पे ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, नाम जप करो, और वो तुम्हें अगर तुमसे प्रभावित हो वो तुम्हें देख के ही करने लगेगा। तो यही चीज़ है, मैं बहुत बहुत भारी हूँ अपने पति परमेश्वर की, कि मुझे बहुत मैं भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, ज़्यादा वीडियो रील्स बनाने लगी थी, तो धीरे धीरे मैं कम कर दूँगी। और जब मेरे हस्बैंड रिटायर होंगे तो बिल्कुल मैं भक्ति में लीन हो जाऊँगी, ये तो बिल्कुल छोड़ ही दूँगी सारी सोशल साइट जितनी है, उसमें क्या करना, उसमें कुछ भी नहीं है। और बस तब मैं पूरी तरह से, बाबू भी सेटल हो जाएगा उसके बाद पूरा आराम से। तो इसलिए हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते, बाबू ने जिद किया तो मना रहे हैं, और अब हम लोग जानते हैं सत्य को जान गए हैं, तो इसलिए वो चीज़ हम नाम जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अगर मेरे लिए सच्चे मन से कुछ करना चाहती हो तो मेरे जन्मदिन पर नाम जप करो, तो मैं नाम जप तो करूँगी और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाऊँगी, और बाबू ने केक भी मंगाया, वो सब भी होगा और सब कुछ होगा, नाम जप भी होगा, खाना बनाते बनाते भी नाम जप हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, वो मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो मेरे ही एंजल हैं, सच्चे साथी हैं, जो मुझे सही डायरेक्शन पे ले जाए। हर इंसान का एक सच्चा साथी होता है एंजल के रूप में होता, तो मेरे पति ही हैं मेरे एंजल, मेरे साथी, जो मतलब सही डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। किस कोई कोई अगर सही सलाह दे, ऐसा नहीं कि मैं, कोई भी दे सकता है, तो मेरे पति मुझे सही सलाह दे रहे हैं, तो मेरे पति हुए मेरे एंजल और मेरे सच्चे साथी। और किसी को कोई और सलाह दे रहा तो उसका वो सच्चा साथी हुआ। तो ये चीज़ होता है, सच्चा साथी ये होता है, सच्चे साथी की ये पहचान होती है। तो माँ बेटे की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सही रहा, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, और मैं अब सोशल साइड में थोड़ा कम रहूँगी और हल्का फुल्का कुछ स्पेशल चीज और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँगी। और आप लोग से भी सलाह मतलब देती हूँ कि नाम जप करें, और भगवान सर्वशक्तिमान, दुनिया में जो आजकल हो रहा है, भगवान चाहे तो एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर दे, मगर भगवान की लीला है कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं इस दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ूँगी, मैं भटक जाऊँगी, फिर इसी में फंसी रहूँगी, इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं नाम जप करूँगी। वो हो सके कि मुझसे कोई गलत काम ना हो, किसी के लिए बुरा ना सोचे, गलत ना बोले, और कभी किसी के लिए
कोई भी गाली गलौज कुछ मत बोले, आप शब्द ना बोले, तो ऐसा मैं अपने आप को हृदय में डाल लेती हूँ। और नाम जप करें, अपने प्रभु को हृदय में वास कर लें, हर जगह आपको प्रभु जी दिखाई दे। और तो पति परमेश्वर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमें मतलब हमें गिफ्ट थी, मतलब मुझे तो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही था, छोटे पर से ही मतलब पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, मगर कुछ कुछ जैसे बीच में गड़बड़ हो जाता है, नहीं होता है याद आता, मगर कोई गाइड करता है तो मुझे मेरे जो पति परमेश्वर जी हैं उन्होंने मेरे गाइड किया, गुरु जी अब हूँ, तो मैं अब उस पर ध्यान दूंगी। तो ये जन्मदिन पे मैं उनको ये गिफ्ट देती हूँ नाम जप का। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपको ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और मेरा स्नेह प्रेम आपके प्रति, धन्यवाद।